रखे मेरा बेटा को, काम का बीच में फाकी बच्ची। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज सारा शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ, आज क्या क्या करेंगे चलिए देखिए, दिखाते हैं। आज हम कुछ खाना बना रहे हैं, इन लोगों को बना के खिलाएंगे कुछ अच्छा, देखते हैं क्या बना सकते हैं। देखिए अभी किचन में हम चढ़ाए हैं चावल, चावल देखते हैं बिरयानी बनाएंगे सोच रहे हैं आप लोगों के साथ, पर दिखाएंगे क्या बना रहे हैं। यहाँ बेटा काम कर रहा है, देखिए बेटा भी काम कर रहा है, उसको ऑफिस का काम हो रहा है। अभी बना रहे बिरयानी, पानी चढ़ाए थे गरम पानी में, पहले हम गरम मसाला जरा डाले, उसके बाद चावल डाल दिए। चावल आधा आधा ही पका हुआ बनाएंगे क्योंकि बिरयानी फिर उसमें स्टीम लगाना रहेगा। अभी उसको ये पचाने का पहले थोड़ा सा हम नींबू डाल दे रहे हैं, नींबू डाल रहे हैं, नमक डाल दिए थे बस वो चलिए, ये इसको ये करेंगे। और इधर प्याज भी फ्राई कर रहे हैं इसमें डालने के लिए, बस चावल हो गई है। अब उसको हम देख लें, हाँ उसमें दो दाना रहेगा तभी हम उसको पानी निकाल देंगे। देखिए प्याज इतना ही लाल करना है, इतना फ्राई करके निकालना है आपको, देख लीजिए। देखिए प्याज को प्याज लाल हो गया, निकाल रहे हैं हम इसको थोड़ा कड़ा कर कर, लाल हुआ है। देखिए अब प्याज लाल हो गई है, इसको निकाल रहे हैं हम, अच्छा से कड़ा कड़ा हो जाएगा थोड़ा ठंडा होने पे, इसको ऐसे लाल करके मेरे को निकालना है। बंगाल में बिरयानी में आलू जरूर पड़ती है, इसलिए हम आलू फ्राई करके फिर निकाल रहे हैं। आलू को बॉईल कर लिए, अब इसको फ्राई करके निकालेंगे। आलू में जरा नमक और क्या नींबू डाल के हम बॉईल किए थे इसको, ये आलू लाल हो गया है देख लीजिए, इसको इतने ही लाल करके मेरे को निकालना है। साथ हम चिकन चाप भी बना रहे हैं, चिकन चाप में क्या क्या हम डालते हो तो पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं, ये बना रहे हैं तो वही दे रहे हैं। पहले हम तेल में जरा तेज पत्ता और छोटी इलायची डालकर इसको डालेंगे, ढक देते हैं हम चिकन को। आप लोग को फिर भी जानना होगा तो मेरे को कमेंट्स करके बोलिएगा, हम क्या क्या इसमें डाले हैं फिर से बता देंगे। लेयर लगा रहे हैं चावल का, जिसमें जरा सा उसका घी डाले हैं, आलू बुखारा डाले हैं और जरा काजू बूरा डाल रहे हैं। तो
जैसे गरम मसाले पे पाउडर डाल रहे हैं और फ्राई किया हुआ प्याज को डाल रहे हैं फर्स्ट लेयर में, फिर जो फ्राई किया हुआ आलू है उसको डाल रहे हैं, सेकंड लेयर लगा रहे हैं इसमें। सेकंड लेयर सेम नहीं रहेगा, सेकंड लेयर में इस लेयर में हम चिकन डालेंगे। राइस का थर्ड लेयर है, थर्ड लेयर में भी आलू डालेंगे। सारा काजू पाउडर डाल देंगे। पाउडर जरा फ्राई किया हुआ प्याज, कलर नहीं डाले हैं क्योंकि मेरा बेटा वो कलर पसंद नहीं है, इसलिए हम कलर नहीं डाल रहे बिरयानी में, ऐसे तो हम लोगों के कलर भी पड़ता है। इसमें केवड़ा जल डालते हैं, ऐसे केवड़ा जल कलर में ही मिला के हम डालते हैं, लेकिन कलर इसको पसंद नहीं है जिसकी वजह से हमने दिया। देखिए चाप कंप्लीट हो रहा है, चाप बन चुका है। देखिए यहाँ पे बेटा काम कर रहा है मेरा, ठीक है, बहू को भी दिखा रहे हैं। हाँ देखिए, हाय बोल रहा है, भी दिखा रहे हैं क्या कर रही है। देखिए मेरी बहू भी काम कर रही है यहाँ पे, इन लोग का इतना ही दूर में फोन में बात होता है, वो वहाँ काम कर रहा है सोफा में बैठ के, बेडरूम में बात काम कर रही है इन लोग कुछ भी बात होता है तो दोनों फोन में ही बात कर रहा है। ये है एंड रिजल्ट, बिरयानी बन के रेडी है, अब हम लोग खाएंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू है और बहुत ही टेस्टी दिख रहा है, बहुत दिनों के बाद मम्मी के हाथ का बना बिरयानी। हाँ बस इसमें कलर नहीं है, बिकॉज एक कलर था भी नहीं और दूसरा मुझे उतना कलर पसंद नहीं है, सो इसलिए ठीक है। सो बिरयानी खाते हैं और खाने के बाद बताते हैं कि टेस्ट कैसा है। वैसे तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है एंड बहुत ही अमेजिंग दिख रहा है, तो खाने के बाद मैं बताता हूँ कि ये इसका टेस्ट कैसा था। चलो ओके, हेलो एवरीवन, अभी हम जस्ट बिरयानी खाई रहे हैं और इतना टेस्टी है तो मैंने सोचा पहले मैं खा के आपको फीडबैक दूंगा, बट इट्स अमेजिंग, तो खाते खाते रिएक्शन दे तो ज़्यादा मज़ा आता है, तो बहुत ही टेस्टी है। मम्मी ने अपनी रेसिपी ऑलरेडी आप लोगों को बता रखी है और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट करें सो दैट उसको मम्मी और क्लैरिफाई कर पाए। प्लीज़ ट्राई कीजिए एंड अपना फीडबैक दीजिए कि कैसा रहा, कैसा लगा आपको खा के। सो मम्मी कुछ बोलना चाहती है? नहीं बोलना चाह रही कि मेरी बहू को अभी ब्रेक नहीं मिला है काम से, जो मेरे हम लोग का साथ नहीं खा पा रही है। अच्छा हाँ, मिशिका यहाँ नहीं है बिकॉज अभी राइट ना वो काम कर रही है एंड उसका कॉल चल रहा है ऑफिस का, सो अभी वो लंच नहीं कर पा रही है हमारे साथ, बट वो कुछ देर के बाद करेगी। तो अभी मिशिका नहीं है और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे बहुत भूख लग रही है क्योंकि घर में पूरा बिरयानी की खुशबू पूरे घर में है, सो ऐसे ही मुँह में पानी आ जा रहा है, भूख लग जा रहा है बस, तो इसलिए मैं बोला मेरे से वेट नहीं हो रहा, हम तो अभी खाएंगे। तो चलो हम लोग अभी खाना खा रहे हैं, मिलते हैं थोड़े से देर के बाद। लंच करने के बाद थोड़ा आराम किए, देख रहे हैं बच्चे लोग अभी क्या कर रहे हैं, काम ही कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, दिखाते हैं। देखिए बेटा भी काम ही कर रहा है, बहू भी काम कर रही है मेरी। देखिए अभी यहीं पे खड़े हैं, आज आप लोग को सोच रहे
फ्लाइट उड़ते हुए दिखा है, टेक ऑफ करते हुए, आज लग रहा है स्ट्राइक हो गया है। हाँ, फ्लाइट ही नहीं उड़ मम्मी जो बोल रही है यार, फ्लाइट उड़ने वाला। यहाँ से पास में नहीं, अराउंड 15 किलोमीटर्स पे दिल्ली एयरपोर्ट है अराउंड। तो यह अब दिल्ली एयरपोर्ट, अंदर एयरपोर्ट जैसा आपको पता ही होगा, अंदर एयरपोर्ट के रनवे का जो एरिया होता है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो बेसिकली फ्लाइट टेक ऑफ और लैंडिंग जब होती है तो इस तरफ से, अभी फ़िलहाल अभी कभी कभी रनवे से पीछे की तरफ से लैंडिंग होता है, और यहाँ इस तरफ से मेरे घर के फ्रंट एरिया की तरफ से दिखता है कि टेक ऑफ कर रहा है फ्लाइट, बट एंड वाइस वर्सा होता रहता है, जैसा कि एयरपोर्ट का होगा समथिंग सिस्टम रनवे के लिए। तो यहाँ से दिखता है बहुत बार, ये मैक्सिमम दिखता रहता है। तो मम्मी अभी जब बोल रही है स्ट्राइक हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, आज थोड़ा क्लाउडी वेदर है यहाँ पे, तो मे भी इसलिए शायद नहीं दिख रहा है, बट जब भी दिखेगा और मम्मी से पॉसिबल हो पाएगा तो मम्मी ज़रूर दिखाएगी, या मुझे कभी दिखेगा तो मैं ऑब्वियसली मम्मी को ले आएगा, मम्मी अभी रिकॉर्ड करके दिखा दो सबको। चलो ओवर टू मम्मी। देखे क्या बोले हम आप लोग को, हम सोच रहे कुछ दिखाएं अच्छा खासा, बस यही है। चलिए थोड़ी देर में फिर मिलते हैं आपसे। देखिए बैक साइड है, मौसम बहुत अच्छा हुआ है थोड़ा शाम का, सुबह बहुत ही ज़्यादा गर्मी था, ज़रा सही लग रहा है। बैक साइड का व्यू आप देखो, पास में ही यहाँ से दिल्ली का एयरपोर्ट है, यहाँ से फ्लाइट टेक ऑफ होता है, लैंडिंग होता है, सभी दिखता है। बैठ के शाम को बालकनी में हम देखते हैं, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। देखो आप ये सब बच्चे लोग अभी काम ही कर रहे हैं, उन लोगों का काम ख़त्म होते होते रात 8-9 बज ही जाता है। देखिए मेरा बेटा को काम का बीच में फाकी बच्ची, देखिए काम का बीच में हो, इसलिए वर्क फ्रॉम होम में यही होता है, यूट्यूब देखना होता है, थोड़ा काम होता है, यही सब होता है। लेकिन मेरी बहू पूरा एकदम एक सुबह से काम करे जा रही है, खाने के लिए भी नहीं उठती है, कितना बोल बोल के तो थोड़ा खाना खाने के लिए उठी। देखिए अभी हाँ देखिए इसको, ये मेरा बेटा, देखिए अभी देखिए, हम आप लोग को दिखाए तो तुरंत काम करने लगा। देखिए हम लोग का थोड़ा सा कॉमेडी दोनों अभी है, मेरा देखिए बेटा मेरा बहू दोनों अभी काम कर रहा है तो कॉमेडी भी कर रहा है। एसी का रिमोट मांग रहा है, कितना मुश्किल से। आपकी बहू बोल रही है कि रिमोट नहीं है। नहीं, और लेकिन अपने गले में दबा के रखी है। ओके गाइस, आज का ब्लॉग यहीं खत्म कर रहे हैं, हाँ फिर कल मिलते हैं आप लोग के साथ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करिए, ठीक है। कुछ ऐसा वैसा रहा तो कमेंट्स करके बताइए। चलिए गुड नाइट बोलते हैं सभी लोग, हम लोग पूरे फैमिली गुड नाइट कर रहे हैं। गुड नाइट, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट।